झारखंड में सीसीएल कर्मी आशीष मुखर्जी पर फायरिंग की घटना का पुलिस ने खुलासा किया। सीसीएल कर्मी के साले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सीसीएल कर्मी आशीष मुखर्जी पर हुई फायरिंग में वे घायल हो गए और उनका रांची में इलाज चल रहा है। मामले के अनुसंधान में विशेष टीम का गठन किया गया, फिर गुप्त सूचना के आधार पर कांड के मुख्य अभियुक्त इंद्रनील बनर्जी को धनबाद से गिरफ्तार किया गया। एसपी पीयूष पांडे ने बताया कि इंद्रनील बनर्जी घायल सीसीएल कर्मी आशीष बनर्जी का साला है। अपने स्वीकारोक्ति बयान में उसने कांड में संलिप्तता स्वीकार की है। बताया है कि उसकी बहन बबीता बनर्जी और जीजा आशीष बनर्जी के बीच घरेलू विवाद चल रहा है। इंद्रनील ने 5 अन्य लोगों के सहयोग से घटना को अंजाम दिया। आरोपी इंद्रनील एसबीआई बैंक में कार्यरत है। इधर पुलिस 5 सहयोगियों के धरपकड़ के लिए प्रयास कर रही है। वहीं कांड में प्रयुक्त अपाचे बाइक बरामद कर ली गई है। दिनांक 16 जुलाई को सीसीएल के कर्मी श्री आशीष बनर्जी को गोली मार दी गई थी कुछ अज्ञात अपराधियों ने, जो मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे और उनको गोली मारने के बाद वो लोग फरार हो गए थे। आशीष बनर्जी वर्तमान में घायल हैं और रांची में इलाजरत हैं। तो उस कांड के त्वरित अनुसंधान के लिए एक एसआईटी बनाई गई थी, जिसको एसडीपीओ रामगढ़ लीड कर रहे थे। तो उस एसआईटी में और बाकी टीम मेंबर्स की सहायता से उसमें लगातार छापामारी की गई, इन्वेस्टिगेशन किया गया और उसमें जो घायल हैं आशीष बनर्जी, उनके जो ब्रदर इन लॉ हैं जिनका नाम है इंद्रनील बनर्जी, ये रानीगंज बंगाल में स्टेट बैंक में कार्यरत हैं, इनको गिरफ्तार किया गया है। इन्होंने अपना कन्फेशन में ये स्वीकार किया है कि इन्होंने 5 अन्य लोगों के साथ मिलकर इस घटना की साजिश की। उसका मोटिव उन्होंने ये बताया है कि घायल का अपनी पत्नी के साथ एक पारिवारिक विवाद चल रहा था, जो न्यायालय में अभी विचाराधीन है। डोमेस्टिक वायलेंस और मेंटेनेंस के केसेस इनके बीच में चल रहे थे और उनके बीच के दाम्पत्य जीवन बिल्कुल भी खुशहाल नहीं था, जिसकी वजह से घायल और उनके ब्रदर इन लॉ की भी आपस में खूब लड़ाई होती थी। जो घायल हैं उन्होंने अपने पत्नी को कथित रूप से पैसा वैसा देना भी बंद कर दिया था, जिसके कारण से जो इंद्रनील बनर्जी है, जो इस केस में मुख्य अभियुक्त हैं, उनके ऊपर काफ़ी फाइनेंशियल बर्डन आ गया था, अपनी बहन को और उनके बच्चों को लालन पालन करने का और उनको संभालने का। तो इसकी वजह से वो काफ़ी टाइम से प्लान कर रहा था कि किसी तरीके से इनको रास्ते से हटाया जाए और फाइनली 5 लोगों के साथ मिलकर इसने इस घटना को अंजाम दिया। बाकी 5 लोगों को पकड़ने के लिए हमारी टीम रेड कर रही है और इस घटना में जो बाइक का यूज़ हुआ था, जिससे शूटर्स आए थे और जिस पे गोली चली थी, उस बाइक को बरामद कर लिया गया है और बाकी 5 लोगों को भी गिरफ्तार करने के लिए अभी लगातार छापेमारी चल रही है। सर, वो 5 इसके मित्र थे या वो लोग कोई अपराधी थे जिसको हायर किया गया? नहीं, 5 इनके मित्र नहीं थे, उसमें से 1-2 लोगों को ये जानते थे और उन लोगों ने फिर शूटर्स अरेंज किए थे। कितना रुपया इन लोगों को ऑफर किया गया था? पैसे की बात अभी तक नहीं पता चली है, वो तो जब वो दूसरा इनका सहयोगी उसमें पकड़ा जाएगा तो वहाँ से पता चलेगी। सहयोगी कहाँ के? अभी वो अनुसंधान अंतर्गत है।